हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड 2021 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ का मैथ, जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रश्नावली 1.1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करें। जो उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 225 है, जो 225 है वह बड़ा है यानी बड़ा है 135 से। तो हम लोग 135 को यानी 225 को 135 से भागा करेंगे यानी भाग देंगे एक स्टेप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे एक तो 135 में एक से गुना करेंगे तो कितना होगा 135, और घटाने पर हो जाएगा 90। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, यानी 225 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 से गुणा एक और प्लस 90। उसके बाद यहाँ पे 90 हो गया, और उसके बाद हम लोग फिर सेकेंड स्टेप पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो शेषफल है वह जीरो के बराबर नहीं आया। जब तक ये जीरो के बराबर नहीं आएगा तब तक हम लोग को सॉल्व करते रहना है। फिर इसके बाद हम लोग 135 को 90 से भागा देंगे, तो उसके बाद भागा देने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा। तो 90 में एक से गुणा करेंगे तो 90 ही होगा, और उसके बाद जब इसको घटाएंगे 135 में से 45 तो कितना हो जाएगा, 135 में से 90 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 135 से बराबर 90 गुना एक प्लस 45, यानी यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि शेषफल जो है वह जीरो के बराबर नहीं आया है। तो फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी ये कट गया यानी यहाँ पे जीरो आ गया। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 90 बराबर 45 गुने 2 अब प्लस 0। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शेषफल जो है वह जीरो के बराबर आ गया, यानी शेषफल बराबर जीरो, यानी हम लोग शेषफल को जो है हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, अतः 135 और 225 दोनों का जो एचसीएफ होगा, यानी अतः 135 और 225 दोनों का जो एच सी एफ होगा वह कितना हो जाएगा। तो कब जीरो आया है तो आप लोग देख सकते हैं, जब लोग 45 से हम लोग डिवाइड यहाँ पे किए हैं, तो एल्गोरिथ तो यहाँ पे आप हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका एच सी एफ कितना हो जाएगा 45, यानी जो 135 और 225 का एच सी एफ होगा वह 45 होगा, ये आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 196 और 38,220 का हम लोग को एस सी एफ निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, वैसे ही इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 196 है और 38,220, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 38,220 जो है वह बड़ा है 196 से। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी इसको हम लोग साइड में यानी करते हैं 196 यानी 38,220 को हम लोग भागा देते हैं 196 से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो 38,220 है तो यहाँ पे हम लोग जो 38,220 है तो हम सीधे बता दें आप लोग को, जो 196 यहाँ पे हम लोग 195 से जब गुणा करेंगे यानी 196 में 195 से, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 38,220। यहाँ पे कट के यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जो इसका एस सी एफ होगा यानी एस सी एफ जो आएगा 196 होगा, 196 इसका एस सी एफ आएगा। तो देखिए 196 गुना 195
और प्लस जीरो, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यानी आर बराबर जीरो, यानी जो अतः 196 और 38,220 का एच सी एफ बराबर 196, ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसी में 867 और 225। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो 867 है वह बड़ा है 225 से, इसलिए हम लोग 867 को 225 से भागा करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 3 से 225 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 765, और शेष में बच जाएगा 102। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेप पे होगा 867 बराबर 225 गुने 3 और प्लस 102। देखिए यहाँ पे भी यानी शेषफल जो है जीरो बर्ग के बराबर नहीं आया है, यानी आर नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग 225 को जो है 102 से भागा करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 102 में यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 204, और शेष में बच जाएगा 51। यानी जो हम लोग सेकेंड स्टेप में किए, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे जब 225 बराबर 102 गुने 2 और प्लस 51, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं जो आर का जो मान आया वह जीरो के बराबर नहीं आया, यानी जो शेषफल आया वो जीरो नहीं आया। इसके बाद फिर हम लोग करते हैं तो 51 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 102 हो जाएगा, यानी यहाँ पे शेषफल जीरो आ गया। तो तीसरे स्टेप में 102 बराबर 51 गुने 2 और प्लस 0, यानी आर नॉट इज इक्वल आर इज इक्वल टू जीरो, यानी जो शेषफल का वैल्यू है वो जीरो आ गया। इसलिए यानी अतः जो 867 और 225 का एच सी एफ बराबर कितना हो गया 51, तो इसका आंसर हो जाएगा। इस आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें।